देखिए, जैसे अन्ना ने बताया कि इस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में हम लोगों ने एक कानून बनाया था जिसको हम लोग जन लोकपाल बिल कहते थे, जिसका आखिरी वर्जन था 2.3। 13वां वर्जन था, आखिरी वर्जन था वो जब रामलीला मैदान में हम लोग थे तब वो वर्जन बना था, उससे जस्ट पहले। उसके बाद एक उत्तराखंड का बिल बनाया गया जो कि उत्तराखंड राज्य के लोकायुक्त का था, उसमें भी हम लोगों ने मदद करी। उसके बाद दिल्ली का 2014 का बिल बनाया गया जो उसी आधार पर, जो हमारा जन लोकपाल बिल और जो उत्तराखंड का बिल था उस आधार पर बनाया गया। इन सारे बिलों में ये सारी चीज़ें कॉमन थीं। पहला कि जो चयन समिति होगी उसमें सरकार की और नेताओं की भूमिका बहुत कम होगी, यानी कि 7 या 9 लोगों में से सिर्फ 2 लोग राजनीतिक होंगे और सरकार का बस एक ही जना होगा। अब जो कानून लाया गया है, जो बिल लाया गया है दिल्ली सरकार द्वारा, उसमें चयन समिति में 4 जनों में से 3 राजनीतिक लोग हैं और सिर्फ 1 गैर राजनीतिक स्वतंत्र जना है। हम लोगों ने जो जन लोकपाल बिल बनाया था और सारे उत्तराखंड और दिल्ली 2014 का जो बना था, सब में लोकपाल को बर्खास्त करने की प्रक्रिया सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कर सकता था, राजनीतिक लोगों का कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं था। अब जो बिल लाया गया है उसमें लोकपाल को विधानसभा के 2/3 सदस्य बर्खास्त कर सकते हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बात नहीं करी गई। जो हमने जन लोकपाल बिल बनाया था और उत्तराखंड और दिल्ली का 2014 में, सब में पारदर्शिता थी लोकपाल के चयन में, सब में एक सर्च कमेटी थी और सर्च कमेटी को वो नाम पब्लिक में रखने थे जिससे जनता अपनी प्रतिक्रिया उन शॉर्ट लिस्टेड नाम के बारे में दे सके। अब जो कानून बनाया गया है 2015 का, उसमें ये भी हटा दिया गया है। हमारे जन लोकपाल बिल और सारे बिलों में लोकपाल 7 मेंबर की बॉडी होनी थी, 7 या 9। इसमें लोकपाल को 3 मेंबर की बॉडी कर दिया गया। हमने जितने कानून बनाए थे जन लोकपाल, उत्तराखंड, 2014, सब में लोकपाल का अधिकार केंद्रीय लोकपाल का अधिकार केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय अधिकारियों के ऊपर, चाहे वो भ्रष्टाचार जहां पर भी करें, और राज्य के लोकायुक्त का अधिकार राज्य के मंत्री, राज्य के अधिकारियों के ऊपर, चाहे वो भ्रष्टाचार अपने राज्य से बाहर भी करें। अब जो बिल लाया गया है उसमें ये कर दिया गया है कि दिल्ली का लोकपाल दिल्ली राजधानी टेरिटरी में जो भी भ्रष्टाचार होता है उसकी जांच करेगा। इसका मतलब ये है कि केंद्रीय मंत्री और केंद्र सरकार का भी भ्रष्टाचार का जांच दिल्ली लोकपाल करेगा, और अगर दिल्ली के मंत्री नोएडा में जाके भ्रष्टाचार करते हैं और वहां घूस लेते हैं तो उनका भी भ्रष्टाचार की जांच दिल्ली का लोकपाल नहीं कर पाएगा। अब ये प्रावधान जो लाया गया है, जो कि पहले से बिल्कुल फर्क है, इसके आधार पर केंद्र सरकार इसको कभी अनुमति नहीं देगी, और क्योंकि दिल्ली का कोई कानून केंद्र सरकार के अनुमति के बगैर नहीं बन सकता, और इसी आधार पर ये अटक जाएगा। और इसीलिए अन्ना जी ने ये सुझाव दिया है कि भाई तुम 2014 का कानून जो बहुत काफ़ी अच्छा बना हुआ था, जो उसी आधार पर बना था, जो उत्तराखंड का बिल जो हम लोगों ने बनाया था, जन लोकपाल बिल जो हम लोगों ने बनाया था, उसको पास कर दो, हूबहू 2014 का कानून पास कर दो दिल्ली के सरकार,
और फिर अगर केंद्र सरकार उसमें कुछ अड़ंगा डालती है तो हम लोग सब फिर से खड़े हो जाएंगे केंद्र सरकार के विरोध में। अन्ना जी ने एक और सजेशन भी दिया है कि केंद्र सरकार का जो कानून है 2013 का, वो कमज़ोर है, लचर है, उसमें जो नियुक्ति की जो समिति है उसमें 3 राजनीतिक लोग हैं और सिर्फ 2 गैर राजनीतिक लोग हैं, वो गलत है। उस कानून में उसकी कोई स्वतंत्र जांच संस्था नहीं दी गई है लोकपाल की, और ये बोला गया है कि लोकपाल सीबीआई से जांच करा ले या किसी और जांच संस्था से जांच करा ले जो कि सरकार के अधीन रहेंगी। और करीब करीब यही प्रावधान दिल्ली 2015 के बिल में भी है कि दिल्ली का लोकपाल किसी सरकारी संस्था से जांच करा ले या कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नियुक्त कर दे, कोई स्वतंत्र जांच संस्था लोकपाल के अधीन रहे उसकी कोई बात नहीं करी गई। इसीलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि दिल्ली का लोकपाल उसी आधार पर जैसे कि 2014 का बिल लाया गया था जो कि अरविंद ने खुद बनाया था, जिसकी मांग हम लोग कर रहे थे और जिसके बारे में आज भी आम आदमी पार्टी सरकार ये कह रही है कि भाई हम जो कानून लाए हैं वो वही लाए हैं जो 2014 वाला था। तो फिर पूरा की पूरा 2014 वाला वो लोग ले आए और उसके समर्थन में पूरा देश खड़ा हो जाएगा। लेकिन